Dear electronics lovers, welcome back to the series of single stage transistor amplifier. और आज का हमारा क्लास है AC analysis of transistor amplifier, which will lead us to the knowledge of derivation of voltage gain of the amplifier. And before I start today's class, I must remind you, dear students, कि ये जो जितने भी हमने topics cover किए हैं, इसका understanding का सारा conclusion होने वाला है यहाँ पे. सारे concept जरूरी है कि आप समझो और जानो इन ऑर्डर टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड दिस एनालिसिस. राइट फ्रेंड्स, एक्चुअली इस एनालिसिस में हम कुछ भी नहीं करेंगे. हम इस सिंप्लीफाइड आर पाई मॉडलिंग या प्रैक्टिकल सर्किट या उसका इक्विवेलेंट सर्किट का ही इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं फ्रेंड्स. सो इसलिए आई वुड एडवाइस कि आप जरूर इन क्लासेस को रेफर कर लें. अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिफोर यू गो थ्रू दिस क्लास, you must go through the previous classes. So let us start our today's class, that is AC analysis of transistor amplifier. हम दो केस यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मे बी हमें मिसलेनियस टाइप ऑफ सर्किट्स दे दिए जाएंगे. मैं बताने जा रहा हूँ क्या मिसलेनियस सर्किट हो सकता है. एक दे सकता है कि आपको जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल सर्किट देखा आपने, तो प्रैक्टिकल सर्किट में हमने देखा कि RC एक कलेक्टर रजिस्टर लगाया जाता है, और RE एक एमिटर के साथ भी एक रजिस्टर लगाया जाता है. तो एमिटर रजिस्टर के साथ एक बाईपास कैपेसिटर लगाया जाता है. समटाइम्स एग्जामिनर सोचेगा कि इसको बाईपास कैपेसिटर हटा देते हैं. पहले मैं लिख लेता हूं आपको कि व्हाट विल द केसेस. पहला केस हो सकता है, केस वन ये हो सकता है फ्रेंड्स, कि आप RE के साथ, यानी कि RE जो आप देते हो, आई टेल यू डायग्राम से आपको ज़्यादा रिकॉल कराऊंगा कि RE क्या है. ये बाईपास कैपेसिटर के साथ, बाईपास कैपेसिटर के साथ, जिसको CE से डिनोट किया जाता है, उसके साथ भी आपको एक केस दिया जा सकता है. और दो नंबर में केस टू आपको कोई दे सकता है कि RE विदाउट आपको दे देगा, विदाउट बाईपास कैपेसिटर. तो एग्जामिनर कैन आस्क यू और गिव यू और असाइन यू टू डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सर्किटरी, टू डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सर्किट्स ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इन विच वन केस कैन बी RE विथ दिस कैपेसिटर एंड अदर RE विदाउट दिस कैपेसिटर. आप सोचोगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि दो प्रकार का हमें यहाँ जरूरी है देखना. हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर बन जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्चुअली मुझे कहना चाहिए बन जाता है, वो ये है कि जो कैपेसिटर है, ये जो CE दैट इज बाईपास कैपेसिटर, एमिटर बाईपास कैपेसिटर, इसको बहुत लोग कन्फ्यूज करते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. तो ये जो टू केसेस एक्चुअली इज गोइंग टू आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन द एग्जिस्टेंस और द प्रेजेंस ऑफ दिस कैपेसिटर और अब्सेंट ऑफ दिस. अब्सेंस और प्रेजेंस में क्या डिफरेंस हो जाता है वो यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगा, इसलिए दो डिफरेंट केसेस लेंगे. ऑब्वियसली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सी जो बाईपास कैपेसिटर होता है उसका इंपॉर्टेंस को बिना समझे आप ये दो केसेस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझ सकते, डिफरेंसेस नहीं समझ सकते हो. तो ये भी एक थेसिस है कि आप सी का इंपॉर्टेंस को समझने के लिए दो केसेस की मॉडलिंग देखेंगे. सो लेट अस मूव द फर्स्ट केस, दैट इज RE विथ बाईपास कैपेसिटर. पहला केस मेरा बाईपास, यहाँ मैंने देखिए RE जो ड्रॉ किया है. अगर आपको ये सर्किट देखते ही थोड़ा डर लग रहा है या कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो यू मस्ट रेफर माई लास्ट क्लासेज, दैट इज प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एज वेल एज AC और DC इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, उसको जरूर रेफर कर लेंगे तो आपको ये सिंपल लगने लगेगा. यहाँ पे मैंने बताया था एक कैपेसिटर होता है, यहाँ भी कैपेसिटर, यहाँ भी कैपेसिटर होता है. इन जनरल थ्री कैपेसिटर्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, बट ये मेरा कभी ऑप्शनल हो सकता है. बट आई मस्ट से यू नेसेसरीली, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका अलग ही इंपॉर्टेंस है, ये होना चाहिए. लेकिन इसको हटा के, अगर एग्जामिनर इसको हटा के एनालिसिस करने की बात करता है, इसका मतलब ये नहीं वो कह रहा कि आप मत यूज करो या यूज नहीं करने से काम चल जाएगा. द एग्जामिनर एक्चुअली एंटिसिपेट्स दैट कि आप इसको नहीं यूज करने के बाद आप जो एनालिसिस करोगे और इसको यूज करने के समय जो इसका एनालिसिस करोगे उसका डिफरेंस को समझ पाते हो कि नहीं. बिकॉज देयर इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ पेक्युलर टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बाईपास कैपेसिटर. सो इसलिए पहला केस हमने लिया है RE विथ बाईपास कैपेसिटर. तो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, एक रिकॉल करने जा रहा हूँ जल्दी जल्दी हमारे लास्ट क्लासेस का. मैं व्हाइट कलर से इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा. ये तो एक सर्किट है जो एक्चुअली इट लुक्स लाइक दिस, बट इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द AC एनालिसिस, जो ये AC एनालिसिस मैंने यहाँ लिखा हुआ है, AC एनालिसिस जो करने वाले हैं उसके लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा. इसके लिए क्या करना होगा, ये जो पार्ट है इसका एक
हाइब्रिड पाई मॉडल, सिंप्लीफाइड हाइब्रिड पाई मॉडल बनाऊंगा एक, और जो इसके अलावा जो मुझे सर्किटरी का जो एक्सेसरीज दिख रहा है उसको मैं एसी मॉडलिंग करूंगा, यानी एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। तो मैं तुरंत बनाने जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स हियर, आई विल जस्ट ड्रॉ इट बिकॉज ऑलरेडी द एक्सप्लेनेशन हैज बीन गिवन इन माय लास्ट क्लासेस। सो लेट मी फास्ट ड्रॉ दिस इक्विवेलेंट सर्किट। सबसे पहले ट्रांजिस्टर का एक सिंप्लीफाइड हाइब्रिड पाई मॉडल बनाया जाता है दोस्तों, इस तरह से। इधर से आता है बेस, इधर से आता है कलेक्टर, और इसके बाद कलेक्टर करंट जो है एक डिपेंडेंट करंट के रूप में दिखाया जाता है, ये सिंबल है उसका। और यहाँ पे बेस के पास में एक आर पाई रेजिस्टेंस दिखाया जाता है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम यहाँ पे एमीटर दिखाते हैं। तो ये मेरा बेस साइड है जिधर से मेरा आई बी करंट आ रहा है, एसी इक्विवेलेंट है इसलिए एसी करंट दिखाएंगे। स्मॉल आई बी, स्मॉल आई सी इधर से आ रहा है, ठीक है, और वही फ्लो करके इधर जा रहा है। अब देखिए इस साइड में आपका कहीं ना कहीं आपका इनपुट वोल्टेज है, जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो वी वी से दिखाया जाता है। वट एवर वी इन यू आर गिविंग टू दिस साइड इज गोइंग एज एन इनपुट टू दिस ट्रांजिस्टर, सो वही वी वी पे डिपेंड करते हुए जी एम इसका ट्रांस कंडक्टेंस होता है। और यहाँ पे हम दिखाते हैं, मैं आई एम नॉट टीचिंग यू दिस, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स रेफर माई हाइब्रिड पाई मॉडलिंग वाला जो भी चैप्टर है उसको रेफर कर लें, मैं बस एक फास्ट रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एमीटर होगा, एमीटर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये ऑलमोस्ट मोर ऑर लेस एक ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग मैंने कर दी। अब मैं क्या करूंगा, जल्दी से एसी एनालिसिस करते समय क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया जाता है, इस कैपेसिटर को भी शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो आर ई विल बी काइंड ऑफ शॉर्टेड, तो आर ई के पास मेरा कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, डायरेक्टली इस तरह से ग्राउंड दिखाया जाएगा, एमीटर विल बी डायरेक्टली ग्राउंडेड, एमीटर के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और यही चीज मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं बाईपास कैपेसिटर अगर मैं यूज नहीं करता, अगर इसको यूज नहीं करता तो यहाँ पे मेरा कुछ और कंडीशन बनता, विल सी इन द नेक्स्ट केस दैट। अब देखिए बेस मैंने क्या बताया था कि ये जो आरसी है उसको आरसी क्या हो जाएगा, एसी एनालिसिस के टाइम में ये इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो ये ग्राउंड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से जो मैं आरसी दिखाऊंगा वो ये आरसी है मेरा, और आरसी हैज़ बिकम ग्राउंडेड, आरसी ग्राउंडेड हो गया। ये जो ये एक्चुअली मेरा आर वन है, ये मेरा आर टू है, ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस ऑलरेडी नो, तो ये आर वन भी ग्राउंडेड हो जाता है, आर टू तो ग्राउंडेड है ही, तो आर वन आर टू दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाऊंगा मैं, जो कि एक्चुअली में ये जो रेजिस्टेंस है वो आर वन पैरेलल विथ आर टू है, दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप मेरा डायग्राम क्लियर है, और ये ग्राउंडेड है। उसके बाद जो वी इन आप दिखा रहे हो वो यहाँ पे इसी से निकल के शॉर्ट होकर वी इन यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो मैं बता दूं कि ये जो वी इन जो यहाँ पे जा रहा है वो क्या हो रहा है, इसी के साथ ये देखा जाए तो सब पैरेलल एक तरह से, ये सब कुछ पैरेलल एक तरह से क्योंकि सब ग्राउंडेड है। तो ये पैरेलल ये, यानी वी इन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि वी इन मेरा वी वी के बराबर है, वही चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, वही चीज़ यहाँ अवेलेबल है, वही चीज़ अवेलेबल, बिकॉज पैरेलल में ये अगर इस तरह से रेजिस्टेंस है, अगर आप जानते होगे, अगर ये V1 है तो ये भी V1 है, ये भी V1 है ना, ऑब्वियसली बिकॉज ऑल दिस रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, सो वोल्टेजेस विल बी ऑलवेज इक्वल, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज सब बराबर होगा, सिमिलर इज द केस हियर। तो ये जरूर समझ लें आप। तो ये एक कंप्लीट इस सर्किट का एक मैंने एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दिया है फॉर स्मॉल सिग्नल एंड फॉर लो फ्रिक्वेंसी को हम कंसिडर करके चले। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या काम किया मैंने। जो बीच में पार्ट बनाया था वो ट्रांजिस्टर का पार्ट था, उसके बाद ये मैंने जो रेजिस्टर बनाया है दिस रेजिस्टेंस इज पैरेलल ऑफ आर वन एंड आर टू, उसके बाद वी वी यहाँ दिखाया, आर सी यहाँ दिखाया, नेसेसरली मैंने कोई लोड रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, अगर लोड रेजिस्टेंस दिखाता तो उसके पैरेलल में आता, कोई बड़ा फर्क पड़ता नहीं, बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी ऑफ द एनालिसिस लेट अस इग्नोर दैट रेजिस्टर्स। तो ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट एक सर्किट फॉर एसी एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब यहाँ से देख सकते हो कि ये जो वी इन है यहाँ अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल है। अच्छा, वी आउट कहाँ पे लोगे, ऑब्वियसली यहाँ से आप आउट ले रहे हो, नो डाउट कि आप यहाँ से आउट ले रहे हो, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो ग्राउंड हो गया, तो इसी पॉइंट से आप आउटपुट ले रहे हो, और आपका करंट कहीं ना कहीं किस तरह से जा रहा, देखो ये, अच्छा ये जो ब्रोकन साइड है, ये ओपन साइड का मतलब कि इधर से इधर इधर से कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा। सो यहाँ पे आप समझिए जरूर ध्यान से, यहाँ पे अगर आप नेटवर्क थ्योरी समझते हो, ये करंट किधर जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि उधर तो उसका सर्किट कंप्लीट है नहीं, तो दिस करंट जो ये जो करंट है आईसी करंट ही है, बेसिकली आईसी ही मेरा जीएम वीवी है, इसमें कोई डाउट आप मत रखना, ये रिकॉल है आपके लिए। ये करंट इस तरह से खाली इसके अंदर में मूव कर रहा है, इस तरह से जा रहा, इस तरह से मूव कर रहा, और यही करंट इस आरसी से होके गुजर रहा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो आपका आउटपुट जो वोल्टेज है वो क्या है, देखिए
अच्छा मैंने यहाँ प्लस माइनस दिया, उसके रेफरेंस में अगर देखा जाए तो करंट इधर से इधर जा रहा, मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा, इसलिए ये माइनस में ये वोल्टेज दिखाया जाएगा जीएम, ठीक है, ये जीएम इंटू वीबी, ये मेरा करंट है, दिस इज माई करंट इंटू माई आरसी रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा कि मेरा जो वोल्टेज आउटपुट है वो रेफरेंस में ले रहा हूँ इधर प्लस इधर माइनस का, लेकिन एक्चुअली में मेरा करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, इसीलिए माइनस का साइन आएगा, इसके रेस्पेक्ट में उल्टा जा रहा है तो एक माइनस का साइन आया। नाउ करंट की वैल्यू मेरी जी एम वी वी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी आर सी है, तो मेरा वोल्टेज क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। सो लेट मी राइट इट अफ्रेश दैट वी आउटपुट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम वी वी इंटू आर सी, ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। और वी इन मेरा क्या है, वी इन देखो सिंपल है, वी इन मेरा वी वी है, वी वी मेरा वी इन है, ये सब बराबर है बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल कॉन्सेप्ट, तो वी इन मेरा वी वी के ही बराबर है। तो मेरा जो गेन होगा दैट इज वोल्टेज गेन, मैं लिख देता हूँ आपके लिए वर्ड्स में, वोल्टेज गेन वेरी सिंपल, वोल्टेज गेन मेरा क्या होगा, वोल्टेज आउटपुट डिवाइडेड बाई समवेयर वोल्टेज इनपुट। सो माई वोल्टेज आउटपुट इज व्हाट, वोल्टेज आउटपुट इज सिंपली जी एम वी वी इंटू आर सी है, और वी इन ही मेरा वी वी है, सो वी 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 विल बी कैंसल्ड, सो वोल्टेज गेन विल बी जी एम इंटू आर सी, एज सिंपल एज दैट। सो मेरा जो ए वी है यानी कि जो वोल्टेज गेन है वो ये होगा, कुछ भी नहीं था, सिंपल था ये सब कुछ, मैथमेटिक्स पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था। और आपको अगर कुछ भी डिफिकल्ट लगा होगा तो यहाँ लगा होगा, और यहाँ इसलिए डिफिकल्ट लग रहा हो बिकॉज यू हैव नॉट फॉलोड माई प्रीवियस क्लासेस। सो आई मस्ट एडवाइस यू कि आप ये जो प्रैक्टिकल सर्किट वाला क्लास है, सिंप्लीफाइड आर पाई मॉडल वाला क्लास है, और ए सी डी सी इक्विवेलेंट सर्किट वाला क्लास है, ये जरूर आप थॉरली फॉलो करें, और इस टॉपिक को समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। तो ए वी इज इक्वल टू माइनस जी एम आर सी, माइनस का साइन क्यों आया, आई होप आपको क्लियर होगा, माइनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, माइनस का साइन को समझना, बिकॉज मेरा करंट देखो इधर से इधर जा रहा, ठीक है। सो दिस कुड बी रिटन लाइक द वोल्टेज गेन। अब एक बात बता दूं, अगर आपने मेरे हाइब्रिड पाई मॉडलिंग वगैरह का क्लास फॉलो किया तो आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहीं पर जल्दी से लिख देता हूँ मैं आपको, कि जी एम जो होता है वो 1/RE के बराबर होता है। अब आरई क्या है, ये एमिटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसके बराबर होता है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू माइनस जी एम, सॉरी माइनस जी एम, तो जी एम की जगह पे मैं आरई लिखूंगा, 1/RE लिखूंगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको सिंपली, डायरेक्टली लिख सकता हूँ जी एम की, सॉरी आई शुड हैव टेकन द इरेजर, ये जी एम मैंने डिलीट किया, और जी एम की जगह लिख दूंगा फ्रेंड्स 1/RE, मतलब नीचे में आरई आएगा और ऊपर में आरसी तो है ही, तो दिस कुड ऑल्सो बी द एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज गेन समटाइम्स, माइनस आरसी डिवाइडेड बाई आरई, सिंपली ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस का रेशियो भी हो सकता है मेरा वोल्टेज गेन, ठीक है, हाउ मच इज द आरसी एंड हाउ मच इज द आरई, द रेशियो विल गिव यू द वोल्टेज गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब जल्दी से मूव कर जाते हैं हमारा जो अगला केस था, इसमें मैंने क्या बोला था, विदाउट बाईपास कैपेसिटर, मैंने देखिए डिफरेंस को समझ नहीं है, यहाँ पे मैंने आर सी जो दिखाया है यहाँ से मैंने हटा दिया है, सी नहीं दिखाया यहाँ पे मैंने, आई एम नॉट सोन द सी, और ये मेरा क्या है वी इन है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं आपके लिए जल्दी से बना देता हूँ, यहाँ पे आर ई वाला जो पार्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जो यहाँ पे मैंने दिखाया है फ्रेंड्स, ये वाला जो मैंने मीटर के पार्ट का जो हिस्सा दिखाया, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगा बिकॉज सी था तो इसलिए शॉर्ट हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, सी अगर नहीं रहेगा तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। सो अगर ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सो लेट अस ड्रॉ इट वेरी वेरी क्विकली। सो मेरा जो पहले मैं आपको एक ड्रॉ कर लेता हूँ, सो नथिंग इज न्यू हियर, आपको देखिए यहाँ से बेस आ रहा मेरा, आगे जाके मेरा ये आर पाई है, उसके बाद यहाँ से यहाँ मेरा, जल्दी से छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, ये मेरा जी एम वी वी है जैसा एज इट इज रहता है, जी एम वी वी लिख सकता हूँ मैं, इधर से मेरा आ रहा है आई सी करेंट, इधर से आ रहा मेरा आई वी करेंट, ठीक है, और यहाँ पे मेरा आर सी कनेक्टेड है, ये ग्राउंड है, ये आर सी है, और ये मेरा वोल्टेज आउटपुट है, राइट। और एज इट इज़ यहाँ पे मेरा R1 R2 का एक पैरेलल में रेजिस्टेंस है, जो कि R1 पैरेलल विथ R2 रेजिस्टेंस काम कर रहा है, और एज इट इज़ जो भी है यहाँ पे मेरा Vin, ठीक है, ये मेरा Vin है फ्रेंड्स, इसको भी ग्राउंड कर दिया। अब देखिए लगभग सब कुछ मैंने ड्रॉ कर दिया है, एक्सेप्ट वन थिंग,
दिस आर इज नॉट गेटिंग सॉर्टेड. सो यहाँ पे मेरा आर ई नज़र आने वाला है, यहाँ पे मैं आर ई लगा के क्योंकि एमीटर से और फिर ग्राउंड करूँगा. तो ये जो डिफरेंट आपने देखा, यही एक डिफरेंस और द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डायग्राम है जहाँ पे आपको फोकस करना, बिकॉज दिस इज नॉट गेटिंग सॉर्टेड इन द केस ऑफ एसी कंडीशंस. एसी कंडीशन में सॉर्ट नहीं हो रहा. अगर यहाँ पे एक बाईपास कैपेसिटर रहा होता तो ये सॉर्ट हो जाता, बट द केस इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे आर ई मेरा सॉर्टेड नहीं हो रहा है. ये इंपॉर्टेंस था इस केस टू का जो आपको पे अटेंशन करना था. अब देखिए, फॉर द सेक ऑफ माई सिंप्लिसिटी ऑफ द एनालिसिस, मैं इस आर ई को इस तरह से रख के मैं नहीं एनालाइज कर सकता. यहाँ पे आर पाई है, यहाँ पे आर ई है, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैसे एनालाइज करूँ. इसलिए एक मैंने बताया था रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल का यूज करूंगा. आर ई मॉडलिंग वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा अगर आपको कोई भी यहाँ कन्फ्यूजन होता है. हालांकि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर भी अगर आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए यू कैन रेफर माई क्लास ऑफ हाइब्रिड पाई मॉडल वाला क्लास, आर पाई मॉडल वाला क्लास, आर ई मॉडलिंग वाला क्लास जरूर रेफर कर लीजिएगा. ठीक है, अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ. मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, इस आर ई को मेरी मर्जी है इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा. लेकिन शिफ्टिंग का कुछ रूल है, जब आर ई यहाँ जाएगा, ये वाला जब आर ई यहाँ जाएगा तो उसका रूल क्या होगा देखिएगा. आई एम गोइंग टू यूज दिस रूल ऑफ द शिफ्टिंग. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस शिफ्टिंग. मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ. सब कुछ वैसा ही रहेगा, यहाँ पे आर पाई रहेगा, इधर से मेरा करंट आई बी आर आर लिख देता हूँ जो कि बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि आर वन और आर टू का पैरेलल है, और यहाँ से मेरा जो है वी वी एस जो है मेरा वी एस और वी इन भी लिख सकता हूँ, वी एस और वी इन समटाइम्स आई राइट समथिंग लाइक दैट. ये मेरा ग्राउंडेड ऑब्वियसली, और इसके बाद इधर से जो मेरा आर आर पार्ट उसको मैं एज ए ऐसे डिपेंडेंट करंट सोर्स की तरह, एक डायमंड की तरह दिखाते हैं हम लोग, वो डायमंड ड्रॉ करूँगा. ओके, इधर से मेरा ऑब्वियसली क्या आ रहा, स्मॉल आई सी आ रहा है, और यहीं से मेरा कनेक्टेड है आर सी, और यहाँ पे ही मैं ऑब्वियसली आउटपुट लूँ दिस, सॉरी यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस. ठीक है, यहाँ से मैं लूँगा आपका आउटपुट. सो लेट मी राइट इट करेक्टली. यहाँ पे मेरा वी आउटपुट लेने वाला हूँ मैं. ठीक है, अब देखिए जो चेंजेज मैं क्या करने वाला हूँ. इस डायग्राम में मेरा जो आर ई था उस आर ई को मैं यहाँ ले जाऊँगा, लेकिन जब मैं आर ई को यहाँ ले जाऊँगा तो ये दिस रेजिस्टेंस व्हेन कम्स टू द बेस साइड विल बी मल्टीप्लाइड विद फैक्टर ऑफ वन प्लस बीटा, वन प्लस बीटा फैक्टर टाइम्स बढ़ जाएगा. तो मैं कुछ क्या करने वाला हूँ देखिए, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा, किसको, कैपिटल आर ई जो मेरा रेजिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से मैं ड्रॉ कर दूँ इसको. यहाँ पे आर पाई तो है, आर पाई को मैं हटा नहीं रहा हूँ, एक और रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जोड़ दिया. ठीक है, और ये मैंने ऐसे जोड़ के अब यहाँ से वो रेजिस्टेंस हट गया, तो अब सॉरी यहाँ से जो रेजिस्टेंस था ये हट गया, तो ये मैं हटा दिया, और हटाने के बाद मैं इसको कर दिया ऐसे ग्राउंडेड डायरेक्ट. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो हटा के यहाँ लेके आया, तो ये जो आर ई है वो यहाँ आ गया. लेकिन ऐसे सिंपली थोड़ी आएगा, ये वन प्लस बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर के तुलना में बेस साइड के जो रेजिस्टेंस होते हैं वन प्लस बीटा टाइम्स ग्रेटर होते हैं, तभी करंट उसका वेरी वेरी लेस हो जाता है. तो यहाँ पे जो मेरा आर ई था वो यहाँ पे लिख दिया मैंने, बस मैंने यही किया है. ठीक है, और एक नॉलेज आपको याद दिला दूँ जो यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, वो नॉलेज ये है कि आर पाई और आर ई में एक रिलेशन क्या था, आर पाई इज वन प्लस बीटा टाइम्स ऑफ स्मॉल आर ई. ठीक है, तो इसका यूज करूंगा मैं, बट दो रेजिस्टेंसेस जो मैंने यहाँ कनेक्ट किया है इसको आप फोकस करिए. पहले एक रेजिस्टेंस था, अब दो रेजिस्टेंस आ गया है. तो मैं फिर से रिकॉल कर दूं कि यहाँ पे चूंकि मेरा कैपेसिटर नहीं कनेक्टेड था इसलिए आर ई सॉर्टेड नहीं हुआ, इसलिए आर ई यहाँ दिखाया गया. अब इस आर ई को मैंने यहाँ अपनी सिंप्लिसिटी ऑफ एनालिसिस और कैलकुलेशन मेथड्स के लिए मैंने इस आर ई को यहाँ शिफ्ट किया. शिफ्टिंग रूल कहता है कि वो वन प्लस बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे सीरीज में ऐड हो जाता है. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल. ठीक है, और इस तरह से अब मैंने कर दिया. अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं ये जो करंट है आई सी उसकी वो मैं लिख सकता हूँ जी एम इंटू वी वी भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ बीटा इंटू आई बी. सिंपल, आप जानते हो बीटा इंटू आई बी, ये भी लिख सकता हूँ. तो मैं यहाँ पे बीटा इंटू आई बी टर्म यूज करूँगा, और इस टर्म्स में इसको एनालाइज और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, बीटा का यहाँ पे मैं इन्वॉल्वमेंट लाने वाला हूँ, बाकी बीटा आर पाई जी एम आर स्मॉल आर ई सारे मेरे रिलेशन आपको पता है. तो ये जो मैंने लिखा उसका यूज करने वाला हूँ. ठीक है, और बीटा का वैल्यू आपको पता है, वी वी का यूज यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं वी इन आपसे कहूँ कि वी इन क्या, यानी कि जो यहाँ पे इन जा रहा है ऑब्वियसली सब पैरेलल है, इसको इन भी लिख सकते हो आप. तो वी इन की जो वैल्यू होगी वो ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज सब पैरेलल है. ठीक है, देखा जाए तो ये
मैं कहना चाहता हूँ कि वी इन की जो मेरी वैल्यू होगी वो आई बी, मतलब जो आई बी है वही यहाँ से गुजर रहा, आई बी इस रेजिस्टेंस से होकर गुजर रहा ना, ये तो आई बी फ्लो कर रहा, तो आई बी फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, यानी कि आई बी मल्टीप्लाइड विथ आर पाई प्लस, ये आर पाई से गुजरा और आर ई इंटू वन प्लस बीटा से गुजरा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो मैं आई बी के सेंस में मेजर कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कह सकते हैं, क्योंकि आई बी के टर्म्स में इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो मेरा आई बी जो है यहाँ से गुजर रहा है और वो यहाँ से होकर गुजर रहा है, यहाँ से होकर गुजर रहा ना, तो यहाँ से गुजरा, इस रेजिस्टेंस से गुजरा, इस रेजिस्टेंस से गुजरा, तो दैट्स जोड़ दिया मैंने, सिंपल, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज, यही मेरा वी इन है, दैट इज इनपुट वोल्टेज है। इसको सिंप्लीफाई करके मैं देखिए क्या लिखने जा रहा हूँ, आई बी फिर ब्रैकेट यूज किया मैंने और आर पाई के बदले में मैं ये लिखने वाला हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला लिखना चाहता हूँ, तो आर पाई के बदले में मैं लिख सकता हूँ वन प्लस बीटा इंटू स्मॉल आर ई, लिख सकता हूँ प्लस वन प्लस बीटा इंटू कैपिटल आर ई, मैंने इसको रीअरेंज कैसे लिख दिया अपने सुंदरता के लिए, तो ये मेरा एक बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन हो गया मेरे इनपुट वोल्टेज का। लेट अस इसको थोड़ा और क्या किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, तो मेरा वी इन जो होगा वो बन जाएगा स्मॉल आई बी, यहाँ से क्या है वन प्लस बीटा कॉमन ले लेंगे, तो देखिए सिंपल हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, वन प्लस बीटा कॉमन ले लिया, सॉरी दिल थोड़ा ज़्यादा ही लंबा मैंने वन लिख दिया है, वन प्लस बीटा कॉमन मैंने ले लिया, ठीक है, लेट मी राइट इट सम मोर ब्यूटीफुल, तो ये हो गया, और ये स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई मैंने लिख दिया। देखिए स्मॉल आर ई पहले भी था लेकिन मैं अलग एक्सप्रेशन यूज किया था, इस बार कैपिटल आर ई उसके साथ एसोसिएट हो रहा है, तो मेरा जो वी इन का एक्सप्रेशन है वो ये हो गया, ठीक है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ, ये फाइनल तो नहीं है मेरा, फिर भी मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ये मेरा वी इन हो गया, और वी आउट मेरा क्या है, वी आउट मेरा सिंपल है, अगर मैं इस टर्म्स में यूज करूँ तो मेरा करंट ऐसे ही करके फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से फ्लो करने वाला जो करंट है इंटू आर सी वही मेरा आउटपुट होगा, तो ध्यान से देखिए माइनस में आएगा ऑब्वियसली, मेरा वी आउट जो होगा वो माइनस में आएगा, माइनस बीटा इंटू आई बी इंटू आर सी, आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग, ठीक है, पहले मैंने जी एम वी वी के फॉर्म में लिखा था बीटा, तो यही वाला चीज़ अगर इसको हम मान के चलते हैं, ये सब ग्राउंडेड है, सब कुछ ग्राउंडेड है, सारा चीज़ ग्राउंडेड है, सारा चीज़ ग्राउंडेड है, इसलिए एक लाइन बना सकता हूँ मैं इसका, तो ये करंट इसी लूप में घूमता रहेगा, तो यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइनस साइन आ रहा है, इसलिए माइनस साइन आ रहा, क्यों माइनस साइन आ रहा, अगेन आई हैव रिवाइज्ड फॉर यू, सो ये मेरा जो वोल्टेज आउटपुट है ये है, सो वोल्टेज आउटपुट मेरा क्या है, माइनस बीटा आई वी इंटू आर सी, सो ये दोनों मेरा वी आउटपुट भी मिल गया, वी इन भी मिल गया, सो तुरंत मैं वोल्टेज गेन निकाल सकता हूँ, माइनस बीटा इंटू आई वी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई आई वी इंटू वन प्लस बीटा इंटू स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई, सिर्फ मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, आई होप आप लोग मैथ में अच्छे हो, तो कुछ टाइम नहीं लगेगा, अगेन मेरा बीटा जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन वन नंबर होता है, तो मैं वन प्लस बीटा को बीटा के बराबर मान सकता हूँ, ठीक है, मान सकता हूँ, इसलिए मेरा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आई बी और आई बी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा ए वी का वैल्यू जो आएगा वो माइनस आर सी डिवाइडेड बाई स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई बोला जाएगा, और इसको मैं करने जा रहा हूँ ब्रैकेट में क्लोज, ये मेरा फाइनल गेन है। अब आप बहुत ध्यान से एक चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे मैंने जो बिना मैंने ये जब निकाला था जो कि उस समय मैंने सॉरी एक्सक्यूज मी मैंने बाईपास कैपेसिटर को यूज किया था जब सर्किट में, तो आर सी डिवाइडेड बाई आर ई था, तो आर सी यहाँ पे ध्यान से देखिए आर सी डिवाइडेड बाई आर ई था, और अब मैंने जो किया उसमें आर सी डिवाइडेड बाई आर ई पे कैपिटल आर ई जुड़ गया है, तो कह सकते हैं कि विथ अगर मैं यूथ विथ सी यूज करता हूँ और मैं विदाउट सी करता हूँ तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है गेन में, इसमें मेरा गेन क्या आ रहा है, माइनस तो इसमें भी आएगा, इसमें माइनस तो इसमें भी आएगा, जो आपने आर सी ली हुई है जो कलेक्टर के पास रेजिस्टेंस वो भी आएगा और यहाँ भी आर सी आएगा, इसमें क्या हो रहा है आर ई आ रहा है, इसमें आर ई के साथ सॉरी ये मेरा विदाउट सी है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, विदाउट दिस इज विदाउट सी है ना, इसमें कैपिटल आर ई आ जाएगा, कुछ भी अंतर नहीं है दोनों में सिवाय आर ई का अंतर है, क्योंकि इस केस में आर ई क्या हो जा रहा है, इस केस में आर ई शॉर्टेड हो जा रहा है, शॉर्टेड का मतलब
आर ई इक्वल टू जीरो हो जा रहा, सिंपल। बट इस केस में आर ई, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो है, आर ई एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर ई आ रहा है, इसमें आर ई नहीं आ रहा। तो अगर आपसे एग्जाम में शॉर्टकट में थंब रूल याद रखना हो, तो जैसे ही बोला जाए कि बाईपास कैपेसिटर के साथ आपको सर्किट एनालाइज करना है, तो आपको आर ई जो वैल्यू दिया है वो सिंपल जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर बोला जाए विदाउट सी, यानी कि कैपेसिटर नहीं लगाया, यानी कि बाईपास, यानी कि शॉर्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे शॉर्टिंग जो कर रहा हूँ नहीं हो रहा, नॉट शॉर्टेड, ठीक है, इसीलिए गेन मेरा आर सी डिवाइडेड बाई आर ई प्लस आर ई आ रहा है। सो आर ई के साथ आर सी, आर ई के साथ कैपिटल आर ई का आना और आर ई के साथ कैपिटल आर ई होगा यहाँ पे, लेकिन ये जीरो हो गया होगा। क्यों जीरो हो गया होगा? शॉर्टिंग की वजह से। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर। सो इन जनरल, ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अगर इसी सिस्टम में आप देख लो, अगर आर ई की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दिया जाए, ठीक है, तो आपका फिर से ऐसा बन जाता है। सो सिंपली जो वोल्टेज गेन होता है इन जनरल क्या होता है, वोल्टेज गेन को जनरलाइज्ड जरूर कर लीजिए आप, कि आर सी डिवाइडेड बाई आर ई होता है प्लस कैपिटल आर ई भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आर ई जीरो हो गया या आर ई जीरो नहीं हुआ। तो ये जरूर याद रखें, आप कहोगे इनका क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आगे जाकर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस गेन कंडीशनिंग और गेन एनालिसिस, तो आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी समझ में नहीं आएगा। तो और आगे जाके फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर और उसके एम्पलीफायर से रिलेटेड, जरूर ये समझ लें आप। तो आर सी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप मैथमेटिक्स के साथ अगर खेलना चाहते हो, तो आर ई की वैल्यू अगर कोई जीरो कर देता है बिकॉज ऑफ कनेक्शन ऑफ द बाईपास कैपेसिटर, देन योर गेन सिंपली बिकम्स आर सी डिवाइडेड बाई स्मॉल आर ई, एंड वी नो दैट ट्रांस कंडक्शंस की वैल्यू होती है इसके बराबर। तो यू कैन राइट इट एज वेल लाइक जी एम इंटू आर सी, कोई इस तरह से अगर गेन लिखता है तो भी सही है, ठीक है, कोई इस तरह से गेन लिखता है तो भी सही है, कोई इस तरह से गेन लिखता है तो भी सही है। तो आई होप आज का क्लास आपको काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगले क्लास में हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे ध्यान देंगे, ठीक है, थैंक यू।